नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आपको पता ही है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बिल्कुल वीडियो सीरीज फ्री हमने स्टार्ट की हुई है। इसका जो शुभारंभ था वो हिस्ट्री से किया गया था और ये सारे सब्जेक्ट जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के, ये सभी टॉपिक्स पर हम टॉप 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी जो हम रन कर रहे हैं ये ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले ज्योग्राफी के 4 भाग आ चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी के 5वें भाग का जो शुभारंभ है वो कर रहे हैं। 5वें भाग को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ज्योग्राफी से पहले हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों पार्ट के जो टॉप 500 क्वेश्चन थे वो हम करवा चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उनका सीरीज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आप उन वीडियो सीरीज को भी देख लीजिएगा। वन डे एग्ज़ाम्स, यहाँ तक कि PCS जैसे एग्ज़ाम तक में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन NCERT से उठाए गए हैं। और RPF वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इस सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि RPF में आपके 50 क्वेश्चन GKGS से पूछे जाते हैं और GKGS का इसी वजह से रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैटिक GK करवा रहे हैं और स्टैटिक GK आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिएगा, स्टैटिक GK सभी के लिए सेम रहती है। तो RPF वाले बच्चे भी इस वीडियो सीरीज को ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने आप 25 क्वेश्चनों में से ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का 5वां भाग ज्योग्राफी का हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा भारत का भूगोल। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, डैश पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में संलग्न है। तो कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं? क्या मिजो पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं, पटकाई पहाड़ियाँ हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये पटकाई पहाड़ियाँ हैं जो असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम एवं नागालैंड में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, मिजो पहाड़ियाँ डैश से संलग्न है। तो मिजो की पहाड़ियाँ किससे संलग्न है? सिक्किम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो मिजो पहाड़ियाँ हैं ये त्रिपुरा से संलग्न है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, हिमालय और जम्मू कश्मीर राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है, यह श्रेणी डैश हिमालय में अवस्थित है। तो हिमाचल और जो जम्मू कश्मीर राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक ये फैली हुई है, यह श्रेणी हिमालय में कहाँ पर अवस्थित है? क्या ट्रांस हिमालय में अवस्थित है, मध्य हिमालय में अवस्थित है, शिवालिक में अवस्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो जम्मू कश्मीर राज्य और हिमाचल है ये मध्य हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया, लद्दाख का पठार कहाँ पर अवस्थित है? जो लद्दाख पठार है वो कहाँ पर अवस्थित है? क्या अक्साई चीन में अवस्थित है, तिब्बत में अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है, या फिर ट्रांस हिमालय में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो फोर है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो लद्दाख पठार है ये अक्साई चीन के अंदर अवस्थित है। आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। मतलब अक्साई जो चीन है का क्षेत्र है वो कहाँ पर अवस्थित है? जहाँ पर भारत, पाकिस्तान और जो चीन है उसकी सीमाओं का मिलन होता है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। तो इतनी जानकारी आपको लद्दाख पठार के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया, पश्चिमी हिमालय
के संसाधन, प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है, इस क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं, मतलब पश्चिमी हिमालय के संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है, मतलब जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ पर जो प्रमुख संसाधन है वो वन संसाधन है, और इस क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं, 25% पर, 55% पर, 45% पर या फिर 65% पर। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 65% पर भूभाग पर ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो महान जो हिमालय है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है और वर्तमान में ये बढ़ रही है ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर, 5900 मीटर, 6300 मीटर या फिर 5700 मीटर। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो महान हिमालय है माउंट एवरेस्ट है उसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, पुलिकट झील है, वेम्बनाड झील है, शिव सागर झील है या फिर उमियम झील है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेवन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है वो पुलिकट झील है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पुलिकट लैगून भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल की लैगून है। चिल्का झील एक खारे जल की लैगून है जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पूरी, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी जल की लैगून है और दुनिया की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। तो पहली और दूसरी दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पुलिकट झील है और जो पहली है वो चिल्का है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर एट पर। तो क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया है, भारत के वृहत क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। तो ये बताया गया है, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे बना हुआ है, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, और इसकी आकृति पूछी गई है, तो आकृति कैसी है, क्या वर्गाकार आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है, मेज के आकार की आकृति है या फिर कुर्सी के आकार की आकृति है। तो जो क्वेश्चन नंबर एट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है मेज की आकार की इसकी आकृति है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर नाइन पर। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा गया, प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है, इस पठार के दो मुख्य भाग कौन से हैं। तो प्रायद्वीपीय भाग जो है वो पहले गोंडवाना का भाग होता था, जिसके अपवाह और टूटने के बाद प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय भाग है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं और वो दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं, क्या मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, सतपुड़ा तथा दक्कन का पठार, गुरु शिखर तथा दक्कन का पठार। तो क्वेश्चन नंबर जो नाइन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वे दो भाग कौन से है, मध्य उच्च भूमि हो गया और दूसरा दक्कन का पठार। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर टेन पर। क्वेश्चन नंबर टेन में कहा गया, डैश श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। तो कौन सी ऐसी श्रेणी है, क्या कार्डमम श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है या फिर अरावली श्रेणी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो अरावली श्रेणी है ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक फैली हुई है, जो कि 800 किलोमीटर तक का एरिया कवर किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसकी पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी तथा पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। तो राजस्थान की नदियाँ भी मैंने आपको बता दी हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है अरावली श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है, तो अरावली श्रेणी का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है, प्री क्रैम्बियम काल में हुआ है, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में हुआ है, मायोसीन में हुआ है या फिर प्लायोसीन युग में हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो अरावली श्रेणी थी इसका जो आरंभ था, निर्माण था, वो प्री कैम्बियन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उत्पत्ति जो थी अरावली की वो प्री कैम्बियन युग 45,000 लाख वर्ष पहले हुई थी। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी जो ऊंचाई है वो है, और जो कि माउंट आबू सिरोही में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो पूछी गई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, तो कौन से पर्वत के उदाहरण है, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी के उदाहरण है, घर्षित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत इन सभी के उदाहरण है, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा ये सभी के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो ये घर्षित पर्वत होते हैं ये कैसे बनते हैं, नदी, वायु, हिमनदी जैसे अपरदन के कारण कारक प्राचीन काल उच्च भूभाग को अपरदन के द्वारा कुरेद देते हैं, इसके बाद बाकी बचे हुए भाग को अवशिष्ट पर्वत अथवा घर्षित पर्वत कहा जाता है। तो वायु और जो जल है उससे भी जो कटाव है वो होता है हल्का हल्का, धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है, कोई एकदम से नहीं होती, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं इस चट्टान को ऐसे कटने में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। सतपुड़ा पहाड़ियाँ दक्कन पठार का भाग है, जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ है वो दक्कन पठार के भाग का भाग है। इनका विस्तार किन किन राज्यों में है, तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ का विस्तार किन किन राज्य में है, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र, हरियाणा व दिल्ली, राजस्थान व गुजरात, हरियाणा व पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में सतपुड़ा पहाड़ियों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है सतपुड़ा पहाड़ियों के ऊपर भाग पर डैश तथा दक्षिणी भाग पर डैश नदी बहती है। जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं अभी हमने देखा किन किन राज्यों में विस्तार है इसका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा पहाड़ियों के ऊपरी भाग पर कौन सी नदी और दक्षिणी भाग पर कौन सी नदी बहती है, तो आइए देख लेते हैं, गोदावरी और कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती, पेरियार और नर्मदा, गोदावरी और नर्मदा। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सतपुड़ा पहाड़ियों के जो ऊपरी भाग पर है वो नर्मदा नदी पाई जाती है और जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर ताप्ती नदी पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में अवस्थित है, तो अजंता श्रेणी सबसे पहले आपको ये याद रखना है, बेसिक सी क्वेश्चन आजकल यही पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, अजंता जो श्रेणी है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। आइए देख लेते हैं अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में, यहाँ पर जिला बता दिया गया है, क्या पुणे जिले में पाई जाती है, औरंगाबाद जिले में, नागपुर जिले में या फिर मध्य प्रदेश जिले में। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला है वहाँ पर अजंता की जो श्रेणी है या फिर गुफाएं हैं वो पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो धूपगढ़ चोटी है वो किसका हिस्सा है, सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ चोटी है। यह कहाँ अवस्थित है, क्या पंचमढ़ी में अवस्थित है, झारखंड में अवस्थित है, औरंगाबाद में अवस्थित है या फिर नागपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो ये पंचमढ़ी में अवस्थित है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर आता है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये पंचमढ़ी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है और धूपगढ़ के निकट पंचमढ़ी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया डैश को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? इसका विस्तार पश्चिम तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 मीटर में है। क्या अजंता श्रेणी, पूर्वी घाट, सतपुड़ा पहाड़ियाँ या फिर पश्चिमी घाट? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तट तक लगभग 1600 किलोमीटर में है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1200 मीटर है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 1200 मीटर है। और केरल में इसे किस नाम से जाना जाता है? अनाईमुड़ी, पर्वतों की रानी, सत्य पर्वतम या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये केरल में सत्य पर्वतम नाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, अजंता श्रेणी, सतपुड़ा या फिर अनाईमुड़ी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगी अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है जो कि केरल में अवस्थित है और इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में कहा गया पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, केरल में अवस्थित है, तेलंगाना में अवस्थित है या फिर महाराष्ट्र में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है ये केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी की ऊंचाई लगभग कितनी है? 2695 मीटर, 2289 मीटर, 1970 मीटर या फिर 2458 मीटर? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी उसकी 2695 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया नल्ला मल्लाई पढ़ाई पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य में स्थित है, यह पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो नल्ला मल्ला जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में अवस्थित है? क्या आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है या फिर केरल में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, जो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है जवादी की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो जवादी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है, केरल में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है या फिर कर्नाटक में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जवादी की पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में अवस्थित है। जवादी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में पूर्वी घाट का एक विस्तार श्रृंखला है। यह राज्य के वेल्लूर, मतलब यह जो श्रृंखला है जवादी पहाड़ियाँ, राज्य के वेल्लूर जिले और तिरुचनापल्ली जिले में स्थित है। उन दोनों जिलों को एक दूसरे से विभाजित करती है ये जो जवादी की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जवादी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। पहाड़ियों की रानी के नाम से कौन विख्यात है? तो पहाड़ियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? अनाईमुड़ी, सतपुड़ा, नीलगिरी या फिर गुरु शिखर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये 25 टोटल आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ये हमारे तीनों सोशल्स लिंक्स हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें फाइंड करेंगे तो यूट्यूब पर स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक से हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें स्टडी फोर है, 1234 वाला फोर है, पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल है जो कि टेलीग्राम चैनल है, इसको तो आपको ज्वाइन करना ही करना होगा।
t.me/study4publicservicecommission, क्योंकि सारी PDFs, सारे नोटिफिकेशन, सारे रिजल्ट्स, सब कुछ बिल्कुल फ्री में यहीं पे टू द पॉइंट और समय पर जो है वो अपडेट कर दिया जाता है। इस वीडियो सीरीज की भी सारी PDF इसी टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएंगी, तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।